नमस्कार। गिरिपार लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खबर कुछ दिन पहले आई। आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। आपका दशकों का जो संघर्ष था आज वो सच्चाई में तब्दील हो चुका है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और साथ ही साथ हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी का और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का। आप लोगों की वजह से आज जो असली हक है गुवाहाटी समाज को मिला है। मैं ये सवाल भी ज़रूर, जो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनसे मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, 5 महीने आपको क्यों लगे? क्यों आपने इस बिल को पेंडिंग में रखा? क्यों आप इस पर राजनीति करते रहे? और जब कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, आपने आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग को बुलाकर इसको पास करा दिया और उसके बाद फिर वही क्रेडिट की राजनीति आपने शुरू कर दी। आपका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर आप में सच में इसके लिए आपकी आपकी सिंपैथी थी तो आपको उसको 5 महीने पहले ही इसको इम्प्लीमेंट हिमाचल प्रदेश में करा देते, परंतु नहीं, आपने इसमें पूरी राजनीति करी। और हमेशा की तरह जैसे आपने 10 घंटियाँ झूठी बोली, उसी तरह इस पर भी आप झूठ नैरेटिव पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलाते रहे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से ज़रूर पूछूंगा, क्यों आप लोगों को हक से उनको वंचित आप लोगों ने इतने टाइम तक रखा? क्यों उस पर राजनीति करी? सब लोग जानते हैं कि इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसको मैं बोलता हूँ उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर उसको लेकर आई। 2024 दूर नहीं है जब हाटी समाज, हमारे गिरिपार के लोग पूरी तरह से इसका धन्यवाद वोट के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर बधाई हमारे सिरमौर के लोगों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई दशकों तक लड़ी। धन्यवाद।